हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको 25 मार्क्स का कराया था और 25 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक कवर थे मैंने इसके अंदर क्लास आपको पूरा का पूरा स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी करा दिया था जहां पे हमने इन सारे चैप्टर से पच्चीस नंबर का कवर किया था आज मैंने सेपरेटली ये दो चैप्टर के लिए ये पूरा वीडियो शूट कर रहा हूं जहां पे कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे दोनों ही चैप्टर में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगा कि इन इन चैप्टर में से ये ये टॉपिक्स तो जरूर करके जाना और समझाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर मतलब ये बनने वाला है बिफोर रिविजन वीडियो यानी कि आप बिफोर एग्जाम इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना यहाँ पे एक वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे विद इन क्लास क्लास सेवेंटी एट्टी मिनट्स मैक्स टू मैक्स

जी तोड़ मेहनत करो दिन रात एक कर दो क्लास और यहां पे बी एस टी में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है राइट छुट्टियां कम है इसलिए क्लास मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास सीधी सीधी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फ रिगार्डिंग मैनेजमेंट करना ही है कुल मिलाकर भी डिसीजन के रिगार्डिंग करने होते हैं वो है, ये इतना जरूरी क्यों है क्योंकि बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी चीज होती है वो होती है ब्लड ऑफ द बिजनेस और अगर फाइनेंस है तो बिजनेस है फाइनेंस नहीं तो बिजनेस नहीं तो यार उसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना उसका अच्छे से क्लास ख्याल रखना पड़ेगा कितना पैसा मार्केट से लेना है किस किस सोर्सेस से लेना है कहां कहां पे कितना इन्वेस्ट करना है कितना डिविडेंड बांटना है कितना पैसा बचाना है ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो सब इस चैप्टर के अंदर आएगा दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ज्यादा पैसा नहीं लेना कम भी लेना ऑफ द फाइनेंस उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से करना है और इस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारे पास इतना पैसा रहे ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाने का कई बार बहुत बड़ी कंपनी रहती है लेकिन पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चलते वो अपने वर्कर को सैलरी नहीं दे पाती अपने क्रेडिटर्स की समय पे पेमेंट नहीं कर पाती और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं मैनेजमेंट पुअर हो जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो एक ही है वो है क्लास मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटो है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स राइट उनके मैक्सिमाइज करना वेल्थ को उनकी वेल्थ को बढ़ाना उनकी संपत्ति को बढ़ाना अगर मेरा एक शेयर पचास रुपए का है तो इसे बढ़ाकर सौ करना डेढ़ सौ करना हजार करना यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटो और जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको उतना फायदा होगा राइट right? अच्छा अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट सबसे आखिरी में की जाती है तो अगर आप आखिरी वाले का भला कर दोगे तो सबका भला हो जाएगा क्लास में सबसे कमजोर बच्चों को तेज कर दोगे आप तो क्लास में सारे बच्चे तेज हो जाएंगे राइट तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखो इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे तो अपने आप ही आपके ये चार ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाते हैं जिसके अंदर सबसे पहला क्या है क्लास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन मोटो है जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है क्लास प्रॉफिट्स को बढ़ाना है ना देखो शेयर होल्डर की वेल्थ को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है बट शेयर होल्डर की वेल्थ अगर इंक्रीज होगी हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी यानी कि आपके पास पैसा रहेगा लिक्विडिटी इन द सेंस कि आपके पास पैसा रहेगा आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की पेमेंट कर सकते हो मतलब इतना पैसा तो होना चाहिए आपके पास बिजनेस में कि अपनी लाइबिलिटीज की आप पेमेंट कर सको दूसरा है फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रिएटर्स देखो लिक्विडिटी मतलब पैसा होना चाहिए आपके पास कैश होना चाहिए और जितने भी कमिटमेंट किए आपने जिनसे उधार खरीदा है जिनकी पेमेंट टाइम लाइन है उनको उनके समय पर पे पे पेमेंट करना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ये चार ऑब्जेक्टिव है क्लास किसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है तो आप सबको पता है प्लानिंग का मतलब क्या है फ्यूचर के बारे में आज से ही कुछ डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कैसे होने वाला है कब होने वाला है सब कुछ तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी सेम टू सेम है इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड कितना खर्च करना है ऑन वॉट टू स्पेंड किस पे खर्च करना है अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल तो जितने पैसे आपके

उसके बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ये सारी चीजें क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग है अगर हम एडवांस में सोच लेते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली है क्या सोर्स ऑफ फंड कहाँ से पैसा कितना लेंगे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं कितना पैसा कहां से लेना है किस तरीके से यूटिलाइज करना है तो हमारा क्या बन जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट क्या है अगर आप पहले से सोच लेते हो प्लान पहले से अगर आप कर लेते हो तो उसका फ़ायदा क्या है सबसे पहला फ़ायदा है कि आप ऑप्टिमम फंड्स इकट्ठा कर सकोगे आपको जितना पैसा स्मूथली कैरी ऑन के लिए चाहिए आप उतना पैसा क्लास आराम से कलेक्ट कर पाओगे कि भैया मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा आसानी से इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मेरी कैपिटल में कितना डेट है मेरी कैपिटल में कितना इक्विटी है

डेट होना चाहिए कितना इक्विटी एक्सेस डेट इज नॉट गुड एक्सेस इक्विटी इज आल्सो नॉट गुड राइट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट शार्क टैंक देखते हो आप तो उसमें वो कहते हैं हम आपके इतना डेट लेंगे इतना इक्विटी लेंगे राइट right? तो वही है आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो आप सही प्रोजेक्ट में पब्लिक का पैसा लगाओ प्रॉपर तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन करो आप ये लाइन देख रहे हो कितनी बार आ रहा है इस पूरे चैप्टर में है हाई किस सोर्स से पैसा लेना है स्मूथली कैसे चलाना है कितना यूटिलाइज करना है कितना बांटना है ये सारी चीज़ें इट हेल्प्स इन अवॉर्डिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस इवन क्लास अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करोगे तो पहले से आप सारी चीज़ों को कंसिडर कर लोगे कल ऐसा होगा तो क्या होगा कल ऐसा होगा तो क्या होगा तो अचानक से कोई शॉक सरप्राइज झटका आपको नहीं लगेगा और ये क्योंकि ये फ्यूचर को प्रेजेंट से जोड़ता है कि फ्यूचर में पैसों की इतनी रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से हम ऐसे काम करें फ्यूचर में इतनी रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से हम ऐसे काम करें ये तभी हो पाएगा फ्यूचर और प्रेजेंट का लिंक जब आप फाइनेंस के लिए प्लानिंग करोगे जब आप फ्यूचर के लिए कुछ सोचोगे दीज ऑल आर इंपोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन तीन डिसीजन से पेपर में एक डिसीजन का फैक्टर पक्का आएगा लिख के ले लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और एक फाइनेंस मैनेजर को सोचना होता है कि कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो मैं इन्वेस्ट करने से पहले इन चार फैक्टर को कंसिडर करूंगा सबसे पहला कैश फ्लो प्रोजेक्ट मैंने जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो कितना है मतलब मुझे उस प्रोजेक्ट पर डे टू डे कितने खर्चे करने पड़ेंगे दिस इज़ कॉल्ड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट भैया मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया मैंने हाथी खरीद लिया उसे चारा भी देना पड़ेगा उसे खर्चे भी होंगे तो वो खर्चों के लिए क्या मैं झेल सकता हूँ उस खर्चे को तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा दूसरी बात है आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में बोलते हैं आर ओ आई मैं ये देखूंगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है हायर रिटर्न है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोअर रिटर्न है कम अगला है रिटर्न के साथ साथ मुझे रिस्क भी देखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे रिटर्न आता है वहाँ रिस्क भी आता है तो अगर रिटर्न है तो मुझे रिस्क भी देखना पड़ेगा कि भैया मैं रिस्क कितना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है तो अगर आपको लगता है कि रिस्क है इसके अंदर ज़्यादा तो आप मत करो रिस्क आप नहीं झेल सकते।, तो सकते हो तो आप उस हिसाब से जो इिवर्सिबल है irreversible मतलब आपने एक बार कर दिया तो आप स्टेप बैक नहीं ले सकते आप बैक नहीं जा सकते तो आप ये देखो कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या उसमें कोई खराबी आती है मशीन में तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास इंजिनस अवेलेबल है ऐसा तो नहीं कि मशीन जापान से मंगाई है कुछ खराबी हो गई जापान से बंदा आ रहा है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा मतलब मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा जैसे कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले ये भी देखते हैं कि यार गाड़ी तो ठीक है बट इसका मेंटेनेंस क्या है उसका मेंटेनेंस क्या है फ्यूल एफिशिएंसी क्या है ना माइलेज क्या देती है ये सारी चीज़ें तो दीज फोर डिसीजनस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कितना इन्वेस्ट कहाँ करना है पैसा तो मिल गया जनता ने आपको पैसा दे दिया अब इसको सही जगह पर आपको लगाना है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैनेजर वो डिसाइड करेगा दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है आप डेट इशू करोगे या आप इक्विटी इशू करोगे दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है बहुत सारी बातें इसके अंदर बताऊंगा कि कब आपको डेट इशू करना चाहिए कब आपको इक्विटी इशू करना चाहिए तो इसमें वही फैक्टर्स है कब आपको डेट कब आपको इक्विटी इशू करना चाहिए देखो हर चीज़ की कॉस्ट होती है फ्री में पैसा नहीं मिलता जो डेट है उसके पीछे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है इक्विटी के पीछे आपको शेयर इशू करने के लिए बहुत खर्चे होते हैं शेयर इशू एक्सपेंस चाहे क्लास डिविडेंट हो तो आपने हर तरीके से कॉस्ट एनालाइज़ करना है आ, कई बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं सर अच्छा कौन सा अच्छा कौन सा है बेटा कोई एक चीज अच्छी नहीं है अगर एक चीज अच्छी होती तो कंपनी दो ऑप्शन ही क्यों देती आप वही अच्छा है तो वही होगा ना तो हर किसी के अपने अपने फ़ायदे हैं किसी के अपने अपने घाटे हैं तो डेट इशू करने का अपना फ़ायदा हो सकता है अपना घाटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कंपनी का नेचर क्या है कंपनी का गोल क्या है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है कंपनी के पास पहले से कितना कर्जा है पहले से कितना कर्जा नहीं है इन्फ्लेशन है कंट्री में डिफ्लेशन है बहुत सारी चीज़ें उसी में एक पॉइंट आता है कॉस्ट अगर क्लास कंपनी देखेगी दोनों में से जिसका कॉस्ट कम आएगा कंपनी वो इशू करेगी इशू करने के लिए लेकिन कई बार सिर्फ कॉस्ट नहीं देखना होता हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है लाइक कैश फ्लो पोजीशन कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि जो डेट है उस पे आपको रेगुलरली इंटरेस्ट करना पड़ेगा अगर उस इंटरेस्ट को पे करने का आप कमाओ तो देना 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 उस ब्याज को भरने के लिए सक्षम हो कैपेबल हो तो भैया आप डेट इशू करो अदरवाइज इक्विटी बिकॉज इक्विटी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना प्रॉफिट होगा तो डिविडेंट मिलेगा प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंट नहीं मिलेगा फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस तो अगर आप शेयर इशू के खर्चे झेल सकते हो तो शेयर इशू करो लाइक like, शेयर इशू में बहुत सारे खर्चे होते हैं चाहे रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लास एम सी से परमिशन से लेकर उसके बाद कई जगह आर का सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और आप प्रोस्पेक्ट्स की छपाई करते हो ब्रोकरेज है अंडर राइटिंग कमीशन है अगर आप इन सारे खर्चों को झेल सकते हो तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट जरूर देख लेना फिर आप इक्विटी इशू करना नहीं झेल सकते डेट तो इशू करना स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अगर आपको लग रहा है कंट्री में इन्फ्लेशन है तो भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में पब्लिक के पास पैसा है दे कैन टेक रिस्क तो आप इक्विटी इशू करो डिफ्लेशन चल है, तो लोग सेफ रहना चाहते हैं डेट इशू करो मैं एक बात बता दू डेट पब्लिक के लिए सेफ है जैसे मैं एक आम जनता हूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए डेट सेफ है कि भैया मुझे छह सात दस बारह परसेंट का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा कंपनी कंपनी चाहे चाहे फायदे में हो घाटे में हो मुझे मेरा ब्याज मिलेगा मैं अपने ब्याज से खुश लेकिन अगर क्लास कंपनी अगर मान लो कंपनी की अगर इक्विटी है तो वो रिस्क है मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है तो इक्विटी जो होता है वो हाईली वॉलेटाइल है प्राइस कब बढ़ जाए कब घट जाए कुछ नहीं पता डेट का क्या है सेफ है कि बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा तो बहुत कम भी नहीं मिलेगा तो अगर आप सेफ रहना चाहते थे कोविड के टाइम पे रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे इस सिचुएशन में जिन्होंने डेट फंड ले रखा है जिन्होंने एफडी करा रखी है वो फायदे में है क्योंकि बिकॉज मार्केट इस टाइम पे क्रैश हो गया तो मेरी सौ करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो रह गई वो दस करोड़ रह दस तो नहीं खैर मतलब तीस करोड़ चालीस करोड़ रह गई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट इतनी है तो कम होते होते इतनी कम हो जाती है एफ में सेफ है अभी आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा चाहे सिचुएशन कुछ भी हो तो यानी कि पब्लिक के लिए जो सेफ है वो डेट सेफ है लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इक्विटी सेफ है क्योंकि इक्विटी में क्लास आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है लेकिन आपको बस आ, कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं है ब्याज वगैरह आपको बस डिविडेंड देना है प्रॉफिट होगा तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी भी अपने अपने घाटे हैं इक्विटी देने से हमारा पावर कम हो जाता है है ना इक्विटी देने से क्या होता है क्लास की हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है हमारी जो ओनरशिप है वो खत्म हो जाती है तो सबका अपना अपना फायदा घाटा आपको इन सब पॉइंट्स को कंपेयर करना है दूसरा कंट्रोल कंसिडरेशन अगर मैं कंट्रोल कंसडेशन की बात करूँ अगर तुम चाहते हो कि कंपनी पे तुम्हारा कंट्रोल हो तो भैया डेट इशू करो इक्विटी इशू मत करो इक्विटी का मतलब ओनरशिप आप किसी को ओनरशिप दे रहे हो पैसे ले रहे हो तो आप फिर कल आप ओनर नहीं रह पाओगे जैसे इलोन मस्क साहब ने पूरा का पूरा ट्विटर खरीद लिया हंड्रेड स्टेक ले लिया पहले उनके पास शायद नाइन कुछ का स्टेक था अब उन्होंने पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट स्टेक ले लिया क्लास वो मालिक है प्राइवेट कंपनी वो मतलब प्राइवेटली चलाएंगे उसको अपने हिसाब से जैसे चलाना हो अगला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या अगर तुम्हारे सर पे पहले ही बोझ है ब्याज का तो भैया डेट इशू मत करो इक्विटी इशू करो पहले इतना ब्याज दे रहे हो और ब्याज कहाँ से दोगे राइट right? उसके बाद है क्लास आपका रिस्क अगर आपको लग रहा है कि हाई रिस्क कहाँ पर होता है क्लास कंपनी के लिए कंपनी के लिए जो हाई रिस्क है वो होता है क्लास डेट में तो अगर आप इस डेट के रिस्क को उठा सकते हो तो डेट इशू करो क्योंकि डिबेंचर होल्डर को आपने ब्याज नहीं दिया तो क्लास वो आपकी कंपनी को बंद भी करा सकते हैं लिक्विडेट लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की सिचुएशन में भी लेके आ सकते हैं तो इसीलिए क्लास आप देखो रिस्क कहां पे तो कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क होता है डेट में तो अगर आप उस रिस्क को झील सकते हो तो आप डेट इशू करो अदरवाइज इक्विटी डिविडेंड डिसीजन तो हमने जी जो प्रॉफिट कमाया है आप सबको बताया प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं एक हिस्सा हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में देना पड़ता है क्लास शेयर होल्डर को और एक हिस्सा जो होता है क्लास वो क्या करना पड़ता है एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में देना पड़ता है शेयर होल्डर को एक टैक्स देना पड़ता है और एक हिस्सा हम बचा लेते हैं अब हम कितना बचाएं और कितना बांटें टैक्स तो देखो फिक्स है वो तो देना पड़ेगा वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन कितना बचाना है कितना डिविडेंड को बांटना है ये हमारे हाथ में होता है डायरेक्टर के हाथ में होता है तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन जो लेती है उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर फैक्टिंग है अर्निंग तो भैया आप अपने अर्निंग को देखो इफ यू आर अर्न मोर तो आप डिविडेंड ज्यादा बांटो अगर आप कम कमा रहे हो कम बांटो आपको लगता है मेरी अर्निंग अच्छी खासी है तो डिविडेंट अच्छे से बांटो अदरवाइज कम बांटो स्टेबिलिटी आपकी अर्निंग आज ही अच्छी नहीं है आप कई साल से अच्छा कमा रहे हो ऐसा नहीं कि आपने आज ही अचानक से ज़्यादा कमा लिया आप हर साल अच्छा कमा रहे हो तो हर साल डिविडेंड अच्छा बांटो अदरवाइज क्लास आप डिविडेंड कम बांटो तो मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको डिविडेंड बांटना कैसे और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं यानी कि इन इन चीज़ को देखते हुए मैं डिसाइड करूँगा कि डिविडेंड मुझे कितना देना है लाइक कैश फ्लो पोजिशन अगर तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है तुम बांट सकते हो डिविडेंड तो बांटो अदरवाइज तुम डिविडेंड मत बांटो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है भैया हमें फ्यूचर में कहीं कोई पैसा नहीं लगाना जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मेरे को कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा फ्यूचर में मुझे कोई घर नहीं लेना मुझे कोई गाड़ी नहीं लेना मुझे फ्यूचर में कुछ भी कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो मैं पैसा आराम से बांट सकता हूँ आराम से मुझे कोई कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा कोई बड़ा टेंडर नहीं मिल रहा हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं है ऐसे ही चलाना है तो भैया मैं आराम से पब्लिक को डिपेंड बांटूंगा वो खुश रहेंगे लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल आपके घर वाले जब बोलते हैं हमें मकान लेना है घर गाड़ी लेना है या फिर कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो कहते हैं भाई खर्चे कम करो हमें फिर अगले महीने मकान भी लेना है अगले महीने ये चीज़ भी लेनी है ये चीज़ भी लेनी है लैंड लेना है राइट तो वो बोलते हैं खर्चे कम करो सिमिलरली कंपनी भी कहती है कि अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो भैया पैसे बचाओ ज़्यादा बांटो कम और फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अब आराम से बांटो डिविडेंड बांटो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कुछ कुछ कंपनी चाहती है कि यार हम कितनी भी बुरी हालात में हो हमारा डिविडेंड स्टेबल रहना चाहिए जैसे कुछ माँ बाप चाहते हैं कि हमारी कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो बच्चे का ट्यूशन स्कूल का फीस नहीं रुकना चाहिए बच्चे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए बच्चे को खाना पीना कपड़ा मिलते रहना चाहिए जैसे आप हर एक पेरेंट्स समझते हैं राइट तो अगर आप चाहते हो ये चीज़ स्टेटल रहे तो आप डिविडेंड ज़्यादा बांटो और अनस्टेबल है तो भी डिविडेंड कम बांटो टैक्सेशन पॉलिसी एक टैक्स होता है इसको बोलते हैं डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर ये टैक्स ज्यादा है तो डिविडेंड कम बांटो टैक्स कम है तो डिविडेंड ज़्यादा बांटो आराम से टैक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो बांटने पर टैक्स देना पड़ेगा क्या फायदा तो आप डिविडेंड कम बांटो नेक्स्ट है फाइनेंशियल इवरेज ये इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे एक बात दिमाग में सेट कर लो मैंने कई बार बच्चों से ये चीज लिखवाया है नोटबुक निकालो नोटबुक नहीं अवेलेबल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो क्या अगर फाइनेंशियल ज का मतलब क्या है डेट अपॉन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब भी क्या होता है डेट अपॉन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब भी क्या होता है डेट अपॉन इक्विटी ध्यान समझना कितना डेट कितना इक्विटी प्रपोशन क्या होना चाहिए आपको मैं दिखाता हूँ ये है क्लास बैलेंस शीट तो इसमें आता है कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए सीएल बच जाता है फिर बस यहाँ पे तो कहते हैं कि अब अब हम डेट इशू करें इक्विटी इशू करें तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना पहले आप इन दोनों चीज़ को रीड करो इन दोनों पॉइंट्स को चेक करो कोई जल्दीबाजी नहीं होगी आराम से हम पूरा का पूरा ये दोनों चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि पंद्रह नंबर का है जल्दीबाजी करके खराब करने से बेहतर है आराम से इसको चलाते हैं आराम से हम लोग कवर कर लेंगे राइट तो बताओ जरा क्लास डेट अपॉन इक्विटी इसको रीड करो फटाफट क्या लिखा है तो अगर आपने ये देख लिया होगा तो आपको एक चीज समझ आ गया होगा रीड करने के बाद कि अगर बिजनेस में डेट के बढ़ने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है आप जैसे जैसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड कर रहे हो डेट को ऐड करने से अगर तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है इसका मतलब भैया कि आप डेट को ऐड करते जाओ अच्छी बात है लेकिन अगर तुम्हारा डेट बढ़ा रहे हो बिजनेस में डेट के बढ़ाने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो भैया उस सिचुएशन में तुम डेट क्यों ऐड करोगे जब अर्निंग पर शेयर घट रहा है उसको ऐड करने से तो इक्विटी बढ़ाओ और एक बात सीधी सीधी कह सकता हूँ मैं तुमको समझने के लिए क्या कि अगर तुम्हारे बिज़नेस में ये दोनों बातें क्लियर होंगी <coughs> पहला अगर डेट के बढ़ाने से ईपीएस बढ़ रहा है तो डेट बढ़ा दो अगर डेट के बढ़ाने से ईपीएस घट रहा है तो इक्विटी लगा दो भाई मैं डेट लगा रहा हूँ मेरा ईपीएस बढ़ रहा है तो अच्छी बात है मैं डेट लगाऊंगा और बिजनेस में अगर मैं डेट लगा रहा हूँ मेरा ईपीएस घट रहा है तो भैया फिर मैं इक्विटी लगाऊंगा डेट क्यों लगाऊंगा ठीक है एक चीज़ और अगर मेरा आर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है क्लास कि जो मैंने उधार लिया है मुझे उस पर जो ब्याज देना है उसको बोलते हैं रेट ऑफ़ इंटरेस्ट और आर क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो भैया इस सिचुएशन में मैं डेट इशू करूँगा क्योंकि मेरा फ़ायदा होगा पक्की बात है ये बिल्कुल प्रूव है न्यूमेरिकल में मैंने डिटेल वीडियो में बता रखा है आपको बट यहाँ पर भी सारी चीज़ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और अगर आर कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब तुम्हें दो चीज चेक करना है कि क्या ज्यादा है अगर ज्यादा है तो डेट इशू करो आर कम है तो आप इक्विटी इशू करो फायदे में रहोगे क्योंकि अगर आर ज्यादा है तुम डेट इशू करोगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और आर कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब मैं कमा कम रहा हूं दे ज्यादा रहा हूं तो भैया इक्विटी इशू करो उस टाइप पे तो बहुत ही सिंपल सा रूल है ये आपको ध्यान रखना मोर डेट विल रिजल्ट इनक्रीज इन अर्निंग तो क्लास वो तभी होगा जब आर वाई इज़ मोर देन रेट ऑफ़ इंटरेस्ट यानी आर वाई अगर ज़्यादा है तो डेट इशू करो अर्निंग बढ़ेगी आर वाई कम है तो इक्विटी इशू करो अर्निंग बढ़ेगी राइट right? चलो नेक्स्ट तो, है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर तो अगर न्यूमेरिकल आता है कोई तो तुम्हें क्या करना है देखना है कि आर वाई ज़्यादा है या रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा है आर ओ ज़्यादा है तो डेट इशू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी इशू करो नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में कितना डेट कैपिटल रहेगा कितना इक्विटी कैपिटल रहेगा कितना डेट फंड रहेगा कितना इक्विटी फंड रहेगा इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पे जैसे अगर देखोगे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग थे तो ये सेम वैसे ही फैक्टर अफेक्टिंग है तो आप इसको दिमाग में सेट कर सकते हो तो पहली चीज़ है कैश फ्लो पोजिशन अगर तुम्हारे पास ब्याज देने के लिए अच्छा खासा पैसा है तो तुम डेट इशू करो अदरवाइज तुम क्या इशू करोगे इक्विटी अगला है आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारा आर ज़्यादा है किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट इशू करो अगर तुम्हारा आर ओवाई कम है किससे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट से तो फिर तुम क्या इशू करो इक्विटी यही लाइन लिखनी जो पीछे लिखवाई थी कॉस्ट ऑफ डेट भैया तुम्हें डिवेंचर्स को इशू करने के लिए आपको एक फिक्स परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है तो अगर आप वो इंटरेस्ट दे सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो डेट इशू करो अदरवाइज इक्विटी अगला है टैक्स रेट देखो जैसे ही तुम्हारा टैक्स रेट मतलब तुम टैक्स जो देते हो तो उस सिचुएशन में अगर टैक्स रेट हाई है तो तुम ज़्यादा डेट इशू करोगे अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट हमारा चीपर हो जाता है कैसे तो हाई है क्लास हाई एच आई जी एच अगर मान लो टैक्स रेट हाई है तो होगा क्या कि हम अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो हमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और हम डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट पी एंड एल के डेबिट साइड आएगा जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट कम है कम प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो कम टैक्स आएगा ज़्यादा प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो ज़्यादा टैक्स आएगा इसीलिए जब भी टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो हर कोई चाहता है कि हमें अपना प्रॉफिट कम दिखाना है प्रॉफिट कम कैसे दिखाएंगे जब खर्चे बढ़ाएंगे खर्चे कौन से बढ़ जाते हैं डिवेंचर के तो डिबेंचर के इंटरेस्ट के खर्चे क्योंकि फिक्स है वो देना ही देना है राइट तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डेट इशू करना है अदरवाइज आपको इक्विटी इशू करना है राइट नेक्स्ट है क्लास्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर तुम्हारा ध्यान समझना कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है अगर तुम्हारा इक्विटी इशू करने से अगर तुम्हारा इक्विटी इशू करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो तुम भैया इक्विटी इशू करो और अगर तुम्हारा इक्विटी इशू करने से अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो तुम डेट इशू करो मतलब ये पॉइंट सेम पॉइंट है क्लास किसकी तरह आर ओ वाई से बट यहाँ पे हमने बात की आर ओ वाई से कंपेयर किया यहाँ पे हमने बात की किसकी वेल्थ की और इक्विटी की तो अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आप इक्विटी एड करते चले जा रहे हो और तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो तुम इक्विटी इशू करो इक्विटी एड करते चले जा रहे हो अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो तुम क्या इशू करो क्लास तो तुम डेट इशू करो और

पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल कुल मिला के जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो हमें मोटी रकम चाहिए होती है उसको खरीदने के लिए जो रकम चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं फिक्स कैपिटल मुझे बिल्डिंग खरीदना है मुझे मशीन खरीदना है मुझे प्लांट इक्विपमेंट खरीदने हैं तो जो मेरी कैपिटल होगी उसको बोलेंगे फिक्सड कैपिटल और दूसरा क्या होता है क्लास वर्किंग कैपिटल दूसरा क्या है क्लास वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल इन द सेंस कि जो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी है जितने भी करंट असेट है करंट लाइबिलिटी है इनकी रिगार्डिंग जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मुझे रॉ मेटर खरीदना है तो मुझे क्या चाहिए वर्किंग कैपिटल मुझे सैलरी देनी है डेढ़ी डेढ़ एक्सपेंस करना है तो मुझे क्या चाहिए वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी और मैं इसको ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा मुझे चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है और जो बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा चाहिए फिक्स असेट के लिए वो फिक्स कैपिटल है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि मुझे कितना फिक्स कैपिटल चाहिए और कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए तो सबसे पहले क्या है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इस टॉपिक का नाम क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन कौन से फैक्टर हैं, जो डिटरमाइन करेगा कि मुझे कितना फिक्स कैपिटल चाहिए मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या मुझे फिक्स कैपिटल कम चाहिए तो सबसे पहला है इसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस देखो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ मैं सामान बना रहा हूँ तो मुझे मशीन ज़्यादा चाहिए तो मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए अगर मैं एक रिटेल बिजनेस में हूँ जो यहाँ से उठा कर सामान वहाँ बेचता हूँ तो भैया मुझे फ़िक्स कैपिटल क्या चाहिए कम चाहिए दूसरा है सेल स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर मैं बड़े स्केल पर काम कर रहा हूँ तो मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए छोटे स्केल पर काम कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल कम चाहिए टेक्निक ऑफ़ प्रोडक्शन अगर मैं लेबर से काम करा रहा हूँ तो मुझे मशीन कम चाहिए फिक्स कैपिटल कम चाहिए अगर मैं मशीन से काम करा रहा हूँ तो मुझे फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो यह ऑफ प्रोडक्शन को देखना है क्लास आपने कि अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप यूज कर रहे हो लेबर से आप काम करा रहे हो तो यह मशीन क्यों चाहिए उससे मशीन नहीं चाहिए आपको लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो तो आपको मशीन ज्यादा चाहिए अगला है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो तो फिक्स कैपिटल क्या, क्या चाहिए ज़्यादा और अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी के साथ ही खुश हो कि भाई मैं तो पुराने टेक्नोलॉजी के साथ खुश हूँ तो तुम्हें अपग्रेड कराना नहीं पैसे की जरूरत नहीं तो अगर तुम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हो बिजनेस में तो तुम्हें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए अदरवाइज़ कम चाहिए लाइक मेरे पास कोई पुराना कंप्यूटर है तो मैं नया अपडेट करना चाहता हूँ नई टेक्नोलॉजी आई तक चला गया टेक्नोलॉजी और भी उससे आगे आगे की टेक्नोलॉजी आ रही है तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो भाई मुझे पैसा चाहिए ज़्यादा अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें तरक्की करनी है फ्यूचर में तुम्हारे पास मौका है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट बढ़ा के तुम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी अदरवाइज कम होगी तो अगर आप हेडिंग्स को याद करोगे एक हेडिंग को याद करने में दस पंद्रह मिनट भी लग रहा है तो आप तीन से चार घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अभी आपको सिर्फ दिन भर रात भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है बी एस टी तो अगर आप मन से अच्छे से कॉन्फिडेंट रह के भरोसा करके खुद पे मन से पढ़ रहे हो लिख रहे हो पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो आप चीजें याद रहेंगी एग्जामिनेशन में जितना चाहिए उतना आराम से हो जाएगा तो ये एक नया चैप्टर भी चलेगा और आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि दोनों चैप्टर को मैं एक बार में सिखा दूंगा फिर आप दिन भर उसे लर्न करना केस सब कुछ आ रहा है टाइम टाइम आपको मिलता चला जाएगा डोंट वरी वो वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे उसके अंदर सबसे पहला है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं जिस दिन आपने रॉ मेटल को ख़रीदा उसको प्रोसेस किया प्रोसेस करके फिनिश कोड्स बनाया गुड्स बनाने के बाद तुरंत नहीं बिकता है इन्वेंट्री मेंटेन होता है इन्वेंट्री मेंटेन होने के बाद सेल होगा सेल से बिल मिलेगा और बिल से क्या मिलेगा कैश ये पूरा साइकिल जो है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल तो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जितना समय लगा है वो क्वेश्चन में नहीं पता तो हम बारह महीने का मान लेते हैं इसी बेसिस पर करंट असट करंट लॉबिटी का डिटर्मिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं क्लास ऑपरेटिंग साइकिल तो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो मैं फिक्स सॉरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी भाई समोसे बनाने वाला समोसे चलेगा बनाएगा आपको बेच देगा ज्यादा पैसा नहीं उसके अंदर एक गाड़ी बनाने वाले को जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो ज्यादा चाहिए उसका लंबा है तो अगर वर्किंग बड़ा है जिसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा सा है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए आपको कम चाहिए तो करता है कि cycle, कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा है जितना बड़ा होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा अगला क्या है नेचर ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है क्लास कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है तो अगर आप एक होलसेलर हो तो आप बहुत सारी चीजें रख रहे हो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए रिटेलर हो तो क्लास आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए कम चाहिए स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा बिजनेस ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए छोटा बिजनेस कम वर्किंग कैपिटल मेरी छोटी सी दुकान है मेरे को कम स्टॉक रखना है मेरा बड़ा सा शोरूम तो है तो मुझे स्टॉक ज्यादा रखना है मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहां डिमांड ज्यादा करते हैं ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हें सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और सप्लाई बढ़ाओगे तो तुम्हें सामान चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी यानी कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में महंगाई की सिचुएशन में तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी होगी ज़्यादा हो सॉरी और अगर डिफ्लेशन है है मंदी तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे सप्लाई भी कम होगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी लगाते हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए पुराने टेक्नोलॉजी लगाओगे तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए आपको ज्यादा चाहिए बिकॉज पुराने टेक्नोलॉजी में काफी रिसोर्सेज का वेस्ट होगा फिक्स असेट आप लगा नहीं रहे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चलेगी नई टेक्नोलॉजी में क्लास वेस्टेज नहीं होता वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी अगर फ्यूचर में लग रहा है ग्रोथ कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो तो आप देखोगे ना कि जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो इनके पॉइंट एसोसिएशन देखो इनमें लिंक देखो जो सेम है आप उसको आराम से लर्न कर सकते हो तो वहां भी था यहाँ भी था वहां भी था अगर फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए तो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और फ्यूचर में अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है और हम आते हैं अपने आखिरी चैप्टर पर मतलब कंज्यूमर प्रोडक्शन तो मैंने पिछली वीडियो में कवर करा ही दिया था आपको तो यहाँ पे हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को पूरा करेंगे इसके अंदर हर चीज सीखेंगे अच्छा इससे पहले अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टें टॉपिक्स की तो उसके अंदर जो डिसीजन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल जो आ सकता है फाइनेंशियल लीवरेज से वो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन देखने इससे बाहर नहीं पूछेगा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पूछ सकता है उसके इंपोर्टेंस पूछ सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिवेट डिसीजन या फिर जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल डिसीजन है वो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा डोंट वरी अब बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में और इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली है क्या अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए पैसा वो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से वो आएगा एक मार्केट से जिस मार्केट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट तो इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो जनता इसके अंदर बैठी हुई है उनका काम क्या है उनका काम क्या है क्लास कि किसी से पैसे इकट्ठा करना हर जनता से पैसे इकट्ठा करना थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके और कुछ बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देना यानी कि सेवर्स और बोरोर्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना फाइनेंशियल मार्केट इज लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोवर्स सेवर्स कौन है क्लास हम लोग आप लोग अपनी कमाई से थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हैं सेविंग्स कर लेते हैं अब हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है कहीं कही ना कहीं हमें बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है तो हम बैंक में लगा देते हैं बैंक को पैसे दे देते हैं बैंक उस पैसे को क्या करता है क्लास जिन लोगों को बिज़नेस करना है उन लोगों को पैसे उधार देता है फिर यहाँ से ये ब्याज कमाता है थोड़ा ब्याज हमें भी देता है तो हमारा भी हमारा भी फायदा इन लोगों का फ़ायदा और बैंकस का भी फायदा दीज ऑल आर फाइनेंशियल मार्केट तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेसिकली ये ट्रांसफ़र करता है पैसे को या मनी को फ्रॉम सरप्लस यूनिट जिनके पास पैसा है टू डेफिशियट यूनिट बिजनेस को यानी कि हम लोग जो है वो बिज़नेस को पैसे देते हैं लेकिन मैं अकेला नहीं दे सकता बिकॉज मैं अकेले जो पैसे बैंक में लगाऊंगा इन्वेस्ट करूँगा बहुत छोटा सा होगा लेकिन अगर मेरे जैसे लाखों करोड़ लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे दें बैंकों को तो बैंक में इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा कि वो बिजनेसमैन को लोन देना चालू करेंगे और उससे वो ब्याज कमाएंगे हमको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना फायदा होगा और बिजनेसमैन भी उस पैसे को इकॉनमी में रन करेंगे इंप्लॉयमेंट देंगे फैक्ट्री चलाएंगे तो सबको फायदा होगा तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या करता है लिंक क्रिएट जैसे अमेजन जो है वो दुकानदार के और ग्राहक के बीच में लिंक क्रिएट करता है कि मुझे कोई शॉपिंग करनी है मैं दुकानदार को नहीं जानता लेकिन वो अमेजन पे है मैं वहां शॉपिंग कर लेती

और सही जगह लगाना यही फंक्शन है ना तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इन टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ आपके सेविंग्स को मोबिलाइज़ करेंगे मूव करेंगे मोबिलाइज मतलब मूव करेंगे और अच्छी जगह लगाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ हो सके दूसरी बात फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी प्राइस डिस्कवरी करता है प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या है किस सिक्योरिटीज का क्या प्राइस होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा डिमांड फैक्टर को देखते हुए डिमांड सप्लाई को देखते हुए टू फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल असेट क्या होता है फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है शेयर डिबेंचर तो अगर मैं इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये भरोसा मुझे रहेगा कि मैं जब चाहूं तब अपने इन्वेस्टमेंट को बेच सकता हूं अगर मैं जमीन खरीदता हूं कहीं तो मैं उसे इंस्टेंटली बेच नहीं सकता लेकिन अगर मेरे पास शेयर्स है तो मैं घर बैठे बैठे उसको सेल कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के और मेरे को पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट एनी रिस्क अगला क्या है रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्योंकि इस फाइनेंशियल मार्केट अपने पोर्टल पर अपने वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन देता है कौन कौन सी मार्केट के आईपीओ शेयर कंपनी के आ रहे हैं किसका शेयर क्या प्राइस है सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर दे देता है आपको तो आपको तो ढूंढने में ना समय, ना समय पैसा कुछ भी खर्च नहीं होता ये सारे मार्केट मार्केट के मार्केट दो टाइप का है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए होता है कैपिटल मार्केट ध्यान रखना शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए लेना देना है तो कैपिटल मनी मार्केट में जाओगे लॉन्ग टर्म पैसा लेना देना है तो कैपिटल मार्केट में फिर कैपिटल मार्केट दो पार्ट का होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यू सिक्योरिटी के लिए सेकेंडरी मार्केट मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए अगर मैं सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहा हूं, तो मैंने खरीदा प्राइमरी मार्केट से मैं अपने भाई को बेच रहा हूं मेरा भाई अपने दोस्त को बेच रहा है तो हमारे बीच जो चल रहा है वो सेकेंडरी मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज है मनी मार्केट क्या है मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है जो बेसिकली अप टू वन ईयर के लिए होता है और इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए है तो बहुत बड़ी रकम तो ले नहीं सकते ये जो पैसा आएगा ये वर्किंग कैपिटल के लिए आएगा फाइनेंशियल जो मनी मार्केट है कोई लोकेशन नहीं है क्लास मेजर इंस्टीट्यूशन इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आर है कमर्शियल बैंक है एल जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये सब लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इंपॉर्टेंट है इसके पांच इंस्ट्रूमेंट प्लीज रिटर्न में लिख लेना कॉपी में लिखते जाओगे जितना उतना तुम्हें एग्जामिनेशन में याद रहेगा कि हाँ आपने क्या क्या लिखा था पढ़ा हुआ कई बार नहीं याद रहता पढ़ के लिखो पढ़ो समझो अपनी कॉपी में लिखते चले जाओ एक कॉन्सेप्ट देख लिया कॉप में लिख लिया दूसरा कॉन्सेप्ट देख लिया कॉप में लिख लिया तो आपका पर्सनल ट्यूटर बन गया क्लास यहाँ पे ये वीडियो आप अपना देखते चले जाओ कॉप में लिखते चले जाओ ऐसी इन दोनों वीडियो खत्म कर लो सारे केस स्टडीज वाइज मिक्स केस स्टडीज भी आ रहे हैं सैम्पल पेपर भी आ रहा है इवन आप जो जो एक बच्चे को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन गैप में चाहिए उससे ज्यादा ही आप सबको मिलेगा उससे ज्यादा आपको एक काम करना है डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना है यही वो समय है सब कुछ छोड़ दो बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो जितने भी अनवांटेड मोबाइल एप्लीकेशन है ऐप है सब डिलीट कर दो सब डाउनलोड कर लेना क्लास पेपर के बाद बट अभी सब हटा दो मेहनत करो कोई भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है तो हटा दो ये आपका फ्यूचर है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा ये ट्वेल्थ पढ़ने का मौका तुम्हें पूरी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा इस समय को वेस्ट मत करो वेस्टिंग टाइम स्पॉइलिंग करियर चेक करो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट मनी मार्केट का पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी तो जनरली मनी बोरोड बाई वन बैंक एक बैंक दूसरे बैंक से कई बार सी आर आर एस एल आर को मेंटेन करने के लिए उधार ले लेती है जो जनरली जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है एक से पंद्रह दिन के लिए होता है उस पैसे को बोलते हैं मनी कॉल मनी संडे और अदर होलडे में क्लास इस ट्रांजेक्शन को नहीं किया जाता और कॉल मनी का जो रेट होता है उसे बोलते हैं क्लास कॉल रेट ठीक है इंटर बैंक कॉल मनी और जो रेट होता है उसे बोलते हैं क्लास कॉल रेट जो बहुत वालाटाइल वोलाटाइल मतलब बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है इट इज़ हाईली लिक्विड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको बोलते हैं कॉल रेट और इट इज़ वेरी वोलाटाइल चेंजेस फ्रॉम डे टू डे डे टू डे में क्या होता है चेंज होता रहता है दूसरा है, ट्रेजरी बिल्स ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स है जो इश्यू होता है आरबीआई द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सरकार मतलब सरकार के थ्रू जैसे आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा होगा ना आरबीआई इशू करती है तो ये इशू होता है डिस्काउंट पे रिडीम पार पे इसलिए से जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं और यहां पे सेफ माना जाता है क्योंकि आरबीआई इशू करता है सरकार के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करता है जनता को जनता से पैसा ले लिया जाता है और इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में इसका पीरियड चौदह से तीन दिन फोर्टी टू थ्री डेज होता है क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता बस आपने अभी दस अभी मान लो आपने पच्चीस लगाया तो आपको बाद में तीस हज़ार मिल जाएगा बस आपको फिर और कुछ भी इस पे ब्याज नहीं मिलेगा सीधा आपको लमसम जो है अमाउंट है वो बढ़ के मिलेगा इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स तो कॉल मनी हो गया ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल एक का एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से पैसे लेता है क्लास या पैसे देता है कमर्शियल बिल के थ्रू इसको ट्रेड बिल या एकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं ए ने बी को सामान बेचा बी से बिल ले लिया इस बिल को बैंक में जाके दे दिया और बैंक से बिल के पैसे डिस्काउंट करा लिए और समय पे बैंक जो है वो बी से पैसे ले लेगा तो ये जनरली थर्टी थ्री मंथस के लिए होता है नाइनटी डेज़ के लिए और ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा है ना बिल एकोमोडेशन बिल वही आपका कमर्शियल बिल है कमर्शियल पेपर ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास नाइनटीन में और ये एक अनसिक्योर प्रोमिजरी नोट है जहाँ पर कंपनी पब्लिक को एक अनसिक्योर प्रोमिजरी नोट इशू करती है जो सिक्योर नहीं है कि आप हमें पैसे दो हम आपको बाद में पैसे लौटा देंगे तो वही कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है और पब्लिक भी उन्हीं कंपनी को पैसे देगी कमर्शियल पेपर के थ्रू जो भरोसेमंद कंपनी होगी जनरली इसका वन ईयर का मैच्योरिटी पीरियड रहता है पंद्रह दिन का पंद्रह दिन से अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है तुमने कोई ब्याज पर कुछ नहीं रख तुमने कोई सिक्योरिटी रखी नहीं है बस तुमने सरकार को कंपनी को भरोसे के बेसिस पर पैसे दे दिया है और तुम्हें बाद में पैसा वापस मिलेगा कमर्शियल बैंक हो गया म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया ये इन्वेस्टर्स होते हैं कमर्शियल पेपर्स अब मुझे बात बताओ मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो मैंने कोई गारंटी थोड़ी ली है बस मैं सेबी को जानता हूं कि सेबी मेरा पैसा डूब

रोटेशन कॉस्ट है शॉर्ट टर्म फंड्स और वर्किंग कैपिटल नीड तो वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है और लास्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे ही आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो जैसे ही आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एक एक्नोलिजमेंट मिल जाता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बट ये एफ से थोड़ा सा अलग है क्योंकि एफ जो है क्लास वो एक तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्लास वैसे बैंक इशू करता है और इट इज़ द एक्नोलिजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन ये एक तरीके से क्लास क्या होता है uh, मतलब कि

कमर्शियल कमर्शियल बिल था कमर्शियल बिल कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म राइट मतलब लंबे समय के लिए तो इसके अंदर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है सारी इंस्टीट्यूशन आती है जो डील करती है लॉन्ग टर्म फंड में इट डज नॉट इंक्लूड इसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं आता जो शॉर्ट टर्म फंड में इंक्लूड किया जाता है द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन कैपिटल मार्केट आर शेयर डिबेंचर बॉन्ड म्यूचुअल फंड पब्लिक डिपोजिट्स ये सारे

क्लस इसमें इंटरमीडरीज होते हैं ब्रोकर लोग काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं तो विदाउट ब्रोकर तो आप इस मार्केट में शेयर खरीद ही नहीं सकते तो कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडरीज सच एज ब्रोकर अंडर राइटर डिपोजिटर एक्सेट्रा दीज इंटरमीडरीज एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बटा बिना बिना ब्रोकर के थ्रू आप कैपिटल मार्केट में शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते दूसरी बात है कैपिटल मार्केट यह भी डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट दी एक्टिविटी इन कैपिटल मार्केट डिटर्माइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकॉनमी इकॉनमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कैपिटल मार्केट डिटरमाइन करता है कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज़ हु हैव सरप्लस फंड अगर आम जनता को अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तो वो पैसा क्यों लगाएंगे कैपिटल मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करने के लिए लोगों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है बहुत सारी बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और वो ज़्यादा सेव करें और सेव करके क्लास अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिटेबल बनाएं बाकी इसमें क्लास सरकार के रूल रेगुलेशन भी होते हैं तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट अंडर द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट सरकार की जो पॉलिसी है गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग क्लास रेगुलेट किया जाता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्क करता है सेबी के गाइडलाइंस में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता वो सेबी जो बोलेगा उसके हिसाब से ही करेगा कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया मैंने न्यू सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी मार्केट सेकेंड हैंड सिक्योरिटी के लिए सेकेंडरी सेकेंडरी मार्केट तो प्राइमरी मार्केट इज नोन एज न्यू इशू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स को बेचेगी शेयर्स को इशू करेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्म डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये इन प्राइमरी मार्केट कंपनी को डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइज दीज फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग प्लांट मशीन जो भी कंपनी पैसा लगाए मतलब ये है कंपनी ये है पब्लिक इनके बीच में सीधा सीधा रिलेशनशिप हो गया क्लास प्राइमरी मार्केट में फिर पब्लिक ने किसी और को बेचा उसने किसी और को बेचा उसने किसी और को बेचा ये जितना भी काम हो रहा है ये हैंड सिक्योरिटी हो गया तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया तो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है मैथड ऑफ फ्लोटेशन क्या है प्राइमरी मार्केट में सबसे पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है लेकिन शेयर इशू करने से पहले एक बुकलेट देती है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस और कंपनी में जो भी एक्टिविटी है सब लिखा रहता है जो भी क्लास कंपनी की फॉर्मेशन से लेकर आज तक का सारा डेटा सारा रेलिवेंट डेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है इन्वेस्टर्स को कहा जाता है आप इसे पढ़ो समझो और कंपनी में पैसा देन इन्वेस्ट करो इसको बोलते हैं है, इश्यू शेयर थ्रू प्रोस्पेक्टस अगला है ऑफर फॉर सेल क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट का है तो ये सीधा कंपनी से मिलेगा ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली जनता को नहीं दिया जाता ब्रोकर को दिया जाता है लॉट ऑफ सिक्योरिटी फिर ब्रोकर देता है क्लास जनता को तो कई बच्चे बोलते सेकेंडरी मार्केट नहीं हो गया नहीं ब्रोकर को सिर्फ शेयर बेचने का राइट मिला है वो इसे बेचेगा यहाँ पे ब्रोकर ने खुद खरीदा नहीं है शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या है ऑफर फॉर सेल मतलब बल्क शेयर देते हैं ब्रोकर को ब्रोकर बेचता है जनता को या बैंक को देते हैं बैंक बेचता है जनता को प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है क्लास कि ये प्राइवेटली शेयर्स इशू करे मतलब प्राइवेट लोगों कुछ खास लोगों को शेयर इशू किया जाते हैं आम जनता को इशू नहीं किया जाता कुछ अपने खास लोग होते रिलेटिव हो फैमिली मेंबर हो या सिलेक्टेड पर्सन हो उनको ही स्पेशल एडिशन जैसा समझ लो उनको ही शेयर इशू किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू क्या होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम एक राइट right देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करते हैं क्लास हम एक राइट right देते हैं अधिकार देते हैं कि आप ही हमारे शेयर्स को सस्ते रेट पे खरीद लो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्लास हम क्या करते हैं एक राइट्स देते हैं एक अधिकार देते हैं कि आप ही हमारे शेयर्स को सस्ते रेट पे खरीद लो हमें बाहर किसी और को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई खर्चा नहीं करना अपने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं सॉरी शेयर होल्डर्स हैं उनको अधिकार देते हैं कि हम फिर से एक नया इशू निकाल रहे हैं आप ही लोग हमसे ये चीज़ ले लो तो क्लास हम आपको डिस्काउंट पर दे देंगे थोड़ा सा उनका फायदा हो जाता है वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं हमें भी जगह जगह ऐड नहीं करना पड़ता उसका इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डायरेक्टली आप शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन ब्रोकर्स आप सबको पता ही होगा पहले से लाइक जेरोदा हो गया इसके अलावा आप स्टॉक्स हो गया और बहुत सारे क्लास एप्लीकेशनस हैं जहाँ से डायरेक्टली शेयर्स को खरीद सकते हो कंपनी के आई आने पर नेक्स्ट एक सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं इसको सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहा है हम सीधा कंपनी से शेयर नहीं खरीद रहे राइट right? और वो सारा का सारा काम होता है किसके थ्रू एक ब्रोकर के थ्रू यानी इन्वेस्टर जाएगा देखो मान लो ये मैं हूं तो मैं जाऊंगा अपने ब्रोकर के पास और ये आप हो आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे और ब्रोकर्स के बीच में क्लास एक बॉडी होती है मैं आगे बताऊंगा आपको डिपॉजिटरी की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तो मैं अपने ब्रोकर को पैसे दूंगा आपका ब्रोकर आपको पैसे देगा आपसे शेयर लेके क्लास यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बिना ब्रोकर के बिना इंटरमीडरीज के स्टॉक मार्केट में डील आप नहीं कर सकते आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वही आपके सारे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा परफॉर्म करेगा हालांकि सबसे ट्रांसपेरेंट होता है वो कुछ छुपा नहीं सकता ना ही बहुत ज़्यादा कमीशन ले सकता है आपसे बट फिर भी इन्वॉल्वमेंट ब्रोकर का कंपलसरी है अब स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं रियली इट्स टॉपिक इज दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्लास एग्जामिनेशन पूछ लेता है बड़ा टॉपिक है और मतलब ज्यादा नंबर का आता है तो स्टॉक एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट पूरी इकोनॉमी की इमेज दिखाता है इकोनॉमिक बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल भरोसेमंद बैरोमीटर है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है मॉनेटरी कंडीशन कंपनी की क्या है उस चीज को स्टडी करने के लिए क्लास होता है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि अगर तुम किसी देश के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जान सकते हो और कंट्री खराब है तो स्टॉक मार्केट उस कंट्री का बिल्कुल क्रैश कर जाएगा एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसिंग ऑफ शेयर्स द राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ शेयर इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल इसी शेयर ये कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बूम मतलब इन्फ्लेशन रिसेशन मतलब डिफ्लेशन साइकिल द स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज अ पल्स ऑफ इकॉनमी इकॉनमी का क्या है क्लास पल्स है इकोनॉमिक मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री यानी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उसके स्टॉक मार्केट से पता चल जाता है इसीलिए जो फंक्शन है उसके अंदर पहला फंक्शन क्या है इकोनॉमिक बैरोमीटर सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी किसी भी शेयर की जो प्राइसिंग है वो डिसाइड कौन करता है स्टॉक मार्केट द स्टॉक मार्केट हेल्प्स द हेल्प्स टू द वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई तो ये डिमांड कितनी है किस शेयर की किस शेयर की प्राइस कितनी है उस चीज़ को देखते हुए क्लास ये ये किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करता है शेयर के प्राइस हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं ये कैसे पता चलता है डिमांड सप्लाई फैक्टर से कोई एक इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता है द सिक्योरिटी और प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी अदानी की कई सारी कंपनियां हैं जो देखो जिनके शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से अदानी जो है क्लास वो इंडिया में नंबर वन रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं ठीक है गौतम अडानी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूएल हाई एज देर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटी सिक्योरिटीज की जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्राइस बढ़ेगा जितनी डिमांड घटेगी उतना प्राइस घटेगा द वैल्यू द वैल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर गवर्मेंट क्रेटर द इन्वेस्टर्स कैन नो द वैल्यू ऑफ देर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे ही आपके शेयर्स की जो प्राइस है ना उस बेसिस पर ही आपकी नेटवर्थ बनती है पूरी के पूरी क्रेटर्स कैन द वैल्यू क्रेडिट वर्थनेस क्रेटर अपनी क्रेडिट वर्थनेस को चेक कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्सेज ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी तो सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है वो बहुत मैटर करता है और ये कौन डिसाइड करता है सेकेंडरी मार्केट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है स्टॉक मार्केट आजकल के जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं इसके अंदर भरोसा करने लगे हैं पैसा इन्वेस्ट करने लगे नहीं तो पहले तो लोग जमीन में गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते थे लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं यार स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर है करियर है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं अर्निंग का एक सोर्स बन सकता है क्यों क्योंकि क्यों क्लास ये ट्रांजेक्शन की सेफ्टी देता है आपका पैसा नहीं डूबता है सभी ध्यान रखता है कि हर तरीके से क्लास इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके तो इन स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनी है लिस्टेड मतलब जिनका नाम लिस्ट में है और लिस्ट में नाम तभी है जब आपकी पूरी की पूरी चेक की जा चुकी कंपनी आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है आपकी कंपनी रियल है कि नहीं है ऑथेंटिक है कि नहीं है सही काम कर रही कि नहीं कर रही रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही कि नहीं कर रही इन सबको चेक करने के बाद आपकी कंपनी को परमिशन दे दिया जाता है आपकी कंपनी को लिस्टेड कर दिया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट से पब्लिक से पैसा उठा सकते हो ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी कंपनी की पूरी वेरीफिकेशन के बाद कंपनी में फाइनेंशियल साउंडनेस के बाद ही क्लास कंपनी की लिस्टिंग की जाती है तो जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सब उस कंपनी पर लागू हो जाते हैं तो ट्रांजेक्शन में सेफ्टी रहती है आपका पैसा नहीं डूबता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी करता है क्योंकि देखो ये जो स्टॉक मार्केट है ना ये आपकी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाता है तो आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करो जैसे म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो सेविंग बढ़ा सेविंग बढ़ाओगे से बढ़ेगा तो उस पैसे को क्या करो घर में रखे रखे तो सेविंग्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी आज मैं सौ रुपए रखू दस साल बाद सौ रुपए की कोई वैल्यू नहीं तो इसीलिए क्लास उसको इन्वेस्ट करो तो उसको इन्वेस्ट करोगे इकॉनमी में पैसा आएगा इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी तो यानी स्टॉक मार्केट इकॉनमी को भी ग्रोथ करता है और स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट इक्विटी कल्ट का मतलब क्या है स्टॉक एक्सचेंज इंकरेज करता है लोगों को कि आप इन्वेस्ट करो ओनरशिप में शेयर्स खरीदो नए नई इशूज में आप इन्वेस्टमेंट करो बेटर ट्रेडिंग एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट तो लोगों को एजुकेट करना इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझाना इक्विटी में इन्वेस्ट के बारे में समझाना ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक मार्केट में पैसा आए वो उसको ग्रोथ कर सके प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुल्केट का एक और फंक्शन है इसका मतलब स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी स्टॉक मार्केट में बहुत फेयर तरीके से अच्छे तरीके से शेयर के प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं तो ये हमें मौका देता है सस्ते में खरीदने का और महंगे में बेचने का तो कहीं ना कहीं जो प्राइस गिरेगा सस्ता होगा हम खरीद लेंगे और जब बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे तो सौ का खरीदा दो का बेचा तो हमें सौ का फायदा हो जाएगा पर शेयर पर अगर हम पे एक लाख शेयर है तो एक करोड़ का फायदा तो यानी कि ये स्पेकुलेशन का मौका देता है प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है इसके अंदर आप आराम से डिमांड सिक्योरिटी डिमांड सप्लाई को देखते हुए कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हो लिक्विडिटी मेंटेन रहता आप ईजिली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो द मेन फंक्शन स्टॉक ट इज प्रोवाइड रेडीमेड मार्केट फॉर सेल एंडेज ऑफ सिक्योरिटी द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज गिव्स गिव्योरेंस एक भरोसा देता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में यानी कि लिक्विडिटीज के अंदर है आपको सिर्फ बटन दबाना है और आपकी इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा अब देखते हैं डिफरेंस प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिफरेंस क्या है तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें नए शेयर्स बेचे जाते हैं जबकि इसमें सेकेंड हैंड शेयर्स बेचे जाते हैं प्राइमरी मार्केट जो है वो क्लास शेयर्स कौन इशू करता है कंपनी सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर investor, दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर बेचेगा प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स जो जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन है और टाइम भी फिक्स है टाइम सुबह नौ से शाम को तीन तीस तीन तक अगर हम उसी बीच आप शेयर खरीद बेच सकते हो मार्केट तभी ओपन रहता है ऑल कंपनी कैन एंटर एंड रेस कैपिटल तो देखो ये जो प्राइमरी मार्केट है इसमें हर कंट्री आ सकती है लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आम जनता से पैसा लेना है तो जो लिस्टेड कंपनी है वही पब्लिक से पैसा ले सकती है प्राइस की बात करें क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है तो कम पहली बार जो प्राइस सेट होगा वो मैनेजमेंट करेगी लेकिन उसके बाद डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए जो प्राइस सेट होगा वो कौन करेगा डिमांड सप्लाई यानी कि मार्केट डिफरेंस बिटवीन प्राइम प्राइमरी सेकेंडरी तो हो गया अब है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट तो मनी मार्केट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स वो कौन कौन है बैंक है पब्लिक है प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी ओनली राइट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट में क्या क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स है यहां पे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स है फॉरेन इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर भी सारी कंपनी आती हैं लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है मनी मार्केट किसके लिए होता है क्लास शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें इक्विटी शेयर हो गया प्रेफरेंस शेयर हो गया डिबेंचर हो गया बॉन्ड हो गया ये सारी की सारी चीजें आती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स कमर्शियल बिल कमर्शियल पेपर ये सारा का सारा किसके अंदर आता है क्लास मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट तो पड़ा होगा ना कैपिटल मार्केट में शेयर डिवेंचर आता है मनी मार्केट में क्या क्या आता है कमर्शियल पेपर कमर्शियल बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये सारी चीज़ें आती हैं अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूँ तो लिक्विडिटी की तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है लेस लिक्विड है शॉर्ट टर्म है तो हाई लिक्विड है लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म के लिए होता है मोर रिस्क है और रिटर्न भी ज़्यादा है यहाँ रिस्क भी कम है शॉर्ट टर्म में शॉर्ट मतलब मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स में रिस्क भी कम होता है अर्निंग भी कम होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो रिस्क ज्यादा अर्निंग ज़्यादा रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई फिक्स कैपिटल की सॉरी ये फिक्स कैपिटल के लिए होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा उठा रहे हो तो अवैसे तुम्हें फिक्स असट खरीदनी होगी लेकिन शॉर्ट टर्म में उठा रहे हो तो तुम्हें बहुत बड़ा रकम तो तुम उठा नहीं रहे तो तुम किसके लिए उठा रहे हो पैसा मार्केट से अपनी क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब आते हैं हमारे एक टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर अन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लगभग दस पॉइंट है और इन सबको आपको याद करना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या रहता है तो कभी भी किसी को शेयर्स खरीदना है या शेयर्स बेचना है उसको उसका प्रोसेस क्या रहता है लाइन बाय लाइन अच्छे समझना बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हैव टू गेट द सिक्योरिटी लिस्टेड आपको बताया मैंने जो कंपनी लिस्टेड है वही शेयर को खरीद बेच सकता है पब्लिक पब्लिक को शेयर बेचेगा पब्लिक से खरीदेगा द नंबर ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड इज ओनली वन स्टॉक एक्सचेंज तो कंपनी का नाम कब होगा लिस्टिंग में जब स्टॉक एक्सचेंज उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करेगी और बहुत सारी और चीज़ चेक करेगी तभी वो मौका देगी कि, हाँ ठीक है आप पब्लिक से पैसे उठाने इस रिलायंस है पेटीएम है, 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 है. तो इंफोसिस पैसा लेते हैं है और फिर उसको बिजनेस में लगाते हैं है, 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 है. तो, है, है. तो अगर स्टॉक एक्सचेंज में नाम लिस्टेड है तभी आप पब्लिक से ले सकते हो पैसा अदरवाइज नहीं ले सकते तो उसका पहला तरीका क्या है, क्या है क्लास सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर सबसे पहला काम आपको ब्रोकर को सिलेक्ट करना है कि ब्रोकर कौन होगा आप कहां से खरीद हुआ? अगर मुझे मान लो शेयर खरीदना है तो मैं सबसे पहले कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा जिसके थ्रू मैं शेयर्स को खरीद बेच सकूंगा ब्रोकर हमेशा रजिस्टर्ड होता है सेबी से तो जो भी ऐप डाउनलोड करूंगा कुछ चीजें मांगेगा पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैंक डिटेल डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल रेजिडेंशियल स्टेटस क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक फॉर्म होता है वो और इन सबको देने के बाद ब्रोकर मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा राइट जिस अकाउंट में मैं शेयर्स की खरीद बेच करूंगा फिर सेकंड नंबर पे क्लास क्या होगा एक डीमैट अकाउंट खुलेगा डीमेट अकाउंट डिपोजिटरी के साथ खुलता है सिंपल सीधी बात बताऊं तो जिस तरीके से मेरा बैंक अकाउंट होता है जिसमें जिसमें पैसा पैसा आता है पैसा जाता है है जाता उसी तरीके से अकाउंट होता शेयर्स है, आते हैं और शेयर्स जाते हैं तो इसमें कहते हैं कि डिपोजिट्री के साथ खुलता है डिपोजिट्री वो इंस्टीट्यूशन है जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज को बट हम डायरेक्टली डिपोजिटरी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते ध्यान रखना हम पब्लिक हैं हम बात करेंगे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स बात करेगा डिपॉजिटरी से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है उधर से भी जिसको खरीदना है वो बात करेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और वो बात करेगा डिपोजिटरी से तो डिपॉजिटरी मतलब यहाँ पे शेयर्स होल्ड होता है ये लोग शेयर्स को रखते हैं प्रेजेंटली दो डिपोजिटरी है पहला है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप नहीं कर सकते आप जो क्ट करोगे आप एक इन्वेस्टर्स हो तो आप जो कांटेक्ट करोगे वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू करोगे तीसरे नंबर पे आता ऑर्डर यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे भैया कि मुझे इतने इतने, इतने शेयर्स इस प्राइस पे चाहिए तो फिर आपके ऑर्डर को वो मैच करेगा जो ब्रोकर है ना आपका वो मैच करेगा कि अच्छा ये ऑर्डर है इस प्राइस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब वो अवेलेबल हो जाएगा तो वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा जैसे ही वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा यानी कि आपको एक कंफर्मेशन स्लिप भी दे देगा और ये स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है नियर फ्यूचर क्लास ये सबूत होता है कि आपने यहाँ पर शेयर्स को खरीद लिया है फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया जाएगा आपको चौबीस घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा जिसे लीगली आप आगे यूज

पैसे देगा बेचेगा तो डिलीवरी ऑफ शेयर शेयर वापस देगा फिर ब्रोकर क्या करेगा स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा उसको बोलते हैं पे इनडे तो जो ब्रोकर पैसा स्टॉक एक्सचेंज में देता तो उसको है तो बोलते हैं पे इंडे और फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा टी प्लस टू डेज के अंदर दूसरे ब्रोकर को पैसे दे देगा दे उसको बोलेंगे पे आउट डे फिर ब्रोकर इन्वेस्टर्स को पैसे दे देगा और इन्वेस्टर्स के थ्रू शेयर भी इसी तरीके से आएगा अगर तुम्हें ये ध्यान रखना ये इन्वेस्टर अपने ब्रोकर से कनेक्ट करेगा ये ब्रोकर इस स्टॉक एक्सचेंज से सिमिलरली ये इन्वेस्टर नंबर टू है ये अपने ब्रोकर ब्रोकर से connect करेगा broker number two से कनेक्ट करेगा नंबर फिर ये ब्रोकर नंबर कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज से तो स्टॉक एक्सचेंज में जब ब्रोकर नंबर वन कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं पे इन डे स्टॉक एक्सचेंज में जब ब्रोकर नंबर टू कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं क्लास पे आउट डे और इस पूरे प्रोसेस में टी प्लस टू डेज का टाइम लग जाता है तो ध्यान रखना कि ब्रोकर वन जब पैसे देगा स्टॉक एक्सचेंज को पे इन डे और स्टॉक एक्सचेंज वापस इसको पैसे दे देगा दैट इज पे आउट और इसके थ्रू इसके पास पैसा पहुंचेगा तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर्स के बीच कनेक्शन तो हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज तो नाइन्थ पॉइंट क्या था सेटलमेंट का टेंथ पॉइंट जो है वो क्लास क्या है द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डिमेट अकाउंट डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर इन डीमेट अकाउंट द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल ऑफ इज डिमेट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपोजिटी पार्टिसिपेंट्स टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टली इन तो यहां पे देखोगे ना यहां से जब डायरेक्टली

तो ये शेयर तो डिलीवर कर ही चुका है ब्रोकर को पैसा मिलेगा चौबीस घंटे के अंदर ब्रोकर इन्वेस्टर्स को पैसे दे देगा यहाँ से पैसा निकला वहाँ पहुँच गया वहाँ से शेयर निकला यहाँ पहुँच गया यही प्रोसेस चलता है पूरे स्टॉक मार्केट में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये यह यहाँ पर लेकिन टेंशन ना लो आप इसको याद कर लो अपनी भाषा में आप दस के दस पॉइंट बना के लिख देना दस नहीं तो पाँच लिख देना छः लिख देना सात लिख देना बट पूरा प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए जितने नंबर का है उस हिसाब से राइट पाँच नंबर से कम का क्वेश्चन इससे नहीं बनता है देखो कैसे फंड्स का फ्लो होता है देखो फंड्स का फ्लो ये इसको देगा ये इसको देगा ये इसको देगा इसको देगा फिर ये इसको देगा शेयर इसको देगा इसको देगा इसको देगा स्टॉक एक्सचेंज मतलब एन एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राइट सेंसेक्स निफ्टी का नाम सुना होगा आपने वही है अब ये हो गया क्लास पूरा का पूरा फंड्स का किस तरीके से एक्सचेंज होता है शेयर्स खरीद बीच किस तरीके से होता है ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस चैप्टर में मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन इंपोर्टेंट है और सबसे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर में है वो है यही फंक्शन ऑफ सेबी तीन फंक्शन होते हैं सेबी के तीनों के अंदर अलग अलग पॉइंट्स अब तुम्हें याद करना है सबसे पहला जो फंक्शन है इसके अंदर प्रोडक्टिव फंक्शन हम पढ़ेंगे अभी सेबी हुआ 1988 में हुआ क्लास में ये क्यों हुआ कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं हर्षद मेहता स्कैम आपने देखी होगी शेयर मार्केट के ऊपर है तो आप जरूर देखना क्लास आपको काफी अभी तो खैर मूवी टाइम नहीं है लेकिन उससे काफी नॉलेज आपको मिलेगी जिन्होंने देख रखा है उससे काफी नॉलेज मिलेगी बट अभी प्लीज मूवी देखने लग जाना अभी टाइम नहीं है <clears throat> तो सिर्फ यह है कि जितने भी इन्वेस्टर्स है ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो है सेबी का सेबी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है जो घर के बाहर बैठ के देख रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बैठ के स्टॉक एक्सचेंज में कोई गलत आदमी तो नहीं घुस रहा कोई गलत काम तो नहीं हो रहा किसी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही कोई भी मैनिपुलेशन कोई भी लूप होल तो नहीं है सारी चीज़ चेक करता है सभी जो है वो एक रेगुलेटर है जैसे आर रेगुलेटर है ना उससे सभी रेगुलेटर है किसका स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है सभी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करो जो स्टॉक एक्सचेंज 20 साल पहले था वो आज नहीं है तो सभी कहता स्टॉक एक्सचेंज को uh, में डेवलपमेंट uh, भी करो उसको डिजिटलाइज भी करो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी करो और साथ में लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करो

इन सबका एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है ब्रोकर किस तरीके से काम करेगा अंडर किस तरीके से काम करेगा इसका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए इसको बोलते हैं क्लास ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है सभी के अगर हम ऑब्जेक्टिव को हटा दिया जाए फंक्शन भाई सीधी सी बात है सभी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी रखेगा

प्राइस रेकिंग कई बार कंपनी अपनी मर्जी से अपनी कंपनी के शेयर के प्राइसेस को अप एंड डाउन कराती है जानबूझ के नहीं डिमांड सप्लाई बढ़ा के जैसे मैं एक दुकानदार हूँ मैं अपने घर के अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ आके लोगों को लगेगा कि यार ये दुकान तो बहुत भीड़ लग रही है इसमें यदि तो इतनी सारी भीड़ लग रही है अच्छा बेचता हुआ सामान तो अपनी मर्जी से जबकि ऐसा है नहीं तो इसी तरीके से क्लास कंपनी भी अपने शेयर कई बार खुद खरीद के खुद डिमांड करके अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ाने की कोशिश करती है कई बार कंपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देती है मैनुपलेन करती है तो इन सबको रोकना है ये इन ट्रेडिंग को रोक रोकता है कंपनी के अंदर के लोगों को ना कंपनी के बारे में काफी नॉलेज होती है तो वो अपने फायदे के लिए उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको रोका जाता है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई दी जाती है सचैस आज... पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिस तो ऐसी चीज के लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है एग्जाम्पल कंपनी कब शेयर होल्डर को बोनस देगी ये कंपनी के मेम्बर्स को पता होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को बड़े बड़े शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी के उनको पता होगा लेकिन क्लास वो उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते सेबी अंडटेक करता है लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोडक्टिव फंक्शन में सेबी कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करता है म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है ना सभी योजनाएं जो है वो ध्यान से पढ़े टीवी में एड आता है ना वो क्यों बोला जाता है सेबी के अकॉर्डिंग तो सेबी कहता है ये सारी बातें क्लियरली बताओ कि मार्केट रिस्क पे ऊपर आधारित है आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट की रिस्क पे आधारित है अगर ये अगर फायदा होगा तो घाटा भी हो सकता है सभी प्रमोट करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को सभी कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है स्टॉक मार्केट के लिए पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट कि किसका क्या क्या काम है उसको उसी तरीके से उसी कोड के अंदर काम करना पड़ेगा सभी गाइडलाइंस इशू करता है डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी मतलब सभी जो है सिर्फ शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट नहीं करता है डिबेंचर होल्डर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर होल्डर को भी गाइड करने के लिए सभी जो है काम कर रहा होता है ये सारे के सारे पांच फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन के विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फंक्शन इसके अंदर नेक्स्ट आहे डेवलपमेंट अब प्रोडक्टिव फंक्शन के बाद सेबी का जो दूसरा काम है वो है स्टॉक मार्केट को डेवलप करना तो सेबी प्रमोट करता है ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडियट जितने हैं उनकी उनकी ट्रेनिंग कराता है सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर तो जितने भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है उनके थ्रू रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी से ध्यान रखना ब्रोकर हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड होता है तो सबसे पहले बात सेबी कहता है सेबी जितने भी इंटरमीड्रीज हैं ब्रोकर उनकी ट्रेनिंग कराता है उनका रजिस्ट्रेशन करता है और क्लास ये कहीं ना कहीं क्लास ट्रेडिंग उनके थ्रू होता है कि आप ट्रेडिंग

दीज फंक्शन परफॉर्म बाई से टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज तो सबसे पहला काम क्या है सेबी ने रूल बना रखे आपको रूल के अंदर ही काम करना पड़ेगा रेगुलेशन बना रखा है कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है टू रेगुलेट द इंटरब सच एज ब्रोकर अंडर आइटर तो जितने भी ब्रोकर है अंडर राइटर है इवन कंपनी को शेयर इशू करने का प्रोसेस उन सब के लिए सेबी ने हर चीज रेगुलेट कर रखी है इसी हिसाब से चलेगा आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते दूसरी बात सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं जितने भी सब ब्रोकर हैं उन सब की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ब्रोकर के जो ब्रोकर है सब ब्रोकर उन सब की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है सेबी ठीक है ब्रोकर के नीचे जो ब्रोकर होते हैं उसे सब ब्रोकर बोलते हैं अगला है सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज क्योंकि ये भी शेयर्स खरीदती हैं डायरेक्टली तो ये इनके ऊपर भी निगरानी रखते हैं सेबी सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को खरीदे तो दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स अफेक्टेड हो रहे हैं तो यहाँ भी सभी आती है निगरानी रखती है सभी से, से परमिशन भी लेनी पड़ती है इसके लिए सभी इंक्वायरी बिठाता है ऑडिट बिठाता है किसका स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक एक्सचेंज में जो काम हो रहा है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी उसके लिए इंक्वायरी बिठाता है ऑडिट होता है स्टॉक एक्सचेंज का ये सारे के सारे क्लास इसके रेगुलेटरी फंक्शन है तो फाइनली आज हमने अपना पूरा बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन बिफोर एग्जाम रिवीजन कंप्लीट रिवीजन ख़त्म कर लिया है और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में लाइक करना वीडियो को कॉमेंट करना कि आपकी कितनी तैयारी हुई है अभी भी तुम्हें कुछ चीज़ पढ़ना है अभी भी तुम्हें कहीं भी दिक्कत है कॉमेंट करो क्लास मैं उसके ऊपर काम करूँगा बट प्लीज़ ये दोनों वीडियो जो मैंने बनाई है क्लास के ऊपर जो कल बनाई थी और आज डिटेल में इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना इनके रिविजन कर लेना इन सब के नोट्स ऑलरेडी एस पी सी है फ्री स्टडी मटेल के अंदर वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो जो मैंने क्लास बी के सारे नोट अपलोड कर रखे हैं और एस पी सी डाउनलोड करो क्लास और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ क्लास हमारे साथ आगे और भी पेपर्स हैं उन सब के लिए क्लास पूरी तैयारी हमारे चैनल पे की जाएगी तो सारे कॉमर्स के बच्चों को शेयर कर दो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ठीक है बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और बहुत सारी चीज़ें आएंगी स्टे कनेक्टेड स्टे टून कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी आएगा दिन में काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं आप देख ही रहे हो नोटिफिकेशन नहीं आएगा चैनल पर विजिट करते रहो क्लास आपको चैनल मिलता जाएगा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो आपको शेयर करता चला जाऊँगा क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेज रहा ना आपको तो मैं जो भी काम की चीज है क्लास वो आपको यहाँ टेलीग्राम पर भेजता चला जाऊंगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी राइट चलो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में